example 20 में है. Consider functions f and g such that composite g of f is defined and is 1-1. Are f and g both necessarily 1-1? इन्होंने बोला consider functions f and g such that composite function composite g of f का मतलब क्या है? Composite function है g of f, वो defined है. अब वो defined कैसे होगा? Defined है और साथ में ये भी बताया गया है कि and it is 1-1. Are f and g both necessarily 1-1? तो हम ये कहेंगे कि क्या f और g दोनों के दोनों 1-1 ही होंगे? ऐसा हो सकता है? ये बताया है इन्होंने कि एक फंक्शन है there is a function fx and another function gx. तो दो फंक्शन है, एक फंक्शन है fx और दूसरा फंक्शन है gx. और इन्होंने ये बोला कि g of f is defined. G O F is defined. G O F अगर defined है, तो G O F defined कैसे होगा? हम ये बोलेंगे कि G O F का define होने का एक ही criteria है, एक ही parameter है. क्या? कि F जो है, F A to B और G होना चाहिए B to C, F A to B हो और G B to C हो. ऐसे ही बताया था ना कि तभी GOF defined होगा और GOF फिर हो जाएगा हमारा. अगर GOF की बात कर रहे हैं तो पहले मैं function F लिखूंगा, फिर मैं लिखूंगा function G. तो F होना चाहिए A से B और G होना चाहिए B से C. तो जब मैं GOF की बात करूंगा, GOF बन जाएगा हमारा A से C. ये चीज बताई थी ना लास्ट टाइम, ध्यान होगा? यस सर, याद है. ठीक है, अच्छा. अब इसके बाद जो इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, इसमें हमको ना एग्जांपल लेकर चलना होता है, कोई ना कोई एग्जांपल लेकर बताना है. तो ये क्वेश्चन नंबर 20 और सॉरी एग्जांपल 20 और एग्जांपल नंबर 21, इन दोनों में हमें क्या करना होगा? इन दोनों में मुझे एक एग्जांपल देना होगा और उस एग्जांपल आप बताइए सर. जैसे लास्ट टाइम जो क्वेश्चंस थे 18-19, आपने कहा ना एग्जांपल्स लेके चलना है, तो इसमें भी लेना पड़ेगा पिछले वाले में 18-19 वाले में, मतलब 19th वाले में. हाँ, जो एग्जांपल जैसे 19 वाला था, तो 19 में मैंने एक एक एलिमेंट ले लिया था, z ले लिया था, y ले लिया था और x ले लिया था. अच्छा ठीक है. ये बताया था कि z की जो प्री इमेज है वो y है और y की जो प्री इमेज है वो x है, ऐसे ही करके बताया था ना? यस सर. अब इस तरीके से यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई एक फंक्शन है fx, कोई एक फंक्शन है gx और जो इन दोनों फंक्शंस का कॉम्पोजिशन है ना GOF, वो 1-1 आ रहा है. GOF 1-1 आ रहा है. तो अगर GOF 1-1 आ रहा है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि F और G दोनों ही 1-1 हो? क्या ये नेसेसरी है? हमें ये चीज प्रूव करनी है कि वो नेसेसरी है या नहीं. तो पहले तो एक चीज ध्यान रखिए कि अगर कोई दो अलग अलग फंक्शंस है F और G और उसमें हमें ये बता रखा है कि GOF डिफाइंड है और GOF 1-1 है, तो ये नेसेसरी नहीं है कि F और G दोनों के दोनों 1-1 हो. अब उसके लिए मुझे एक एग्जांपल देकर बताना है इसको. देखिएगा, हम ये कहेंगे मैं एफ को अपनी तरफ से डिफाइन कर सकता हूँ जैसा मेरा मन करे, कोई भी फंक्शन बनाकर डिफाइन कर सकता हूँ, ऐसे ही मैं जी को डिफाइन कर सकता हूँ. तो मैंने बोला कि लेट एफएक्स इज इक्वल टू एक्स, मैंने एफएक्स को एक्स ही मान लिया, तो वो चीज समझने में आसानी रहेगी. मैंने कहा लेट एफएक्स इज इक्वल टू एक्स and a is equal to 1 2 3 4 and b is equal to 1 2 3 4 5 6. A is equal to 1 2 3 4 and b is equal to 1 2 3 4 5 6. ये हमने मान लिया. अब क्या करेंगे इसमें? देखिएगा, अगर fx is equal to x है, अगर fx is equal to x है,
तो ये फंक्शन हमारा इस तरह से हो जाएगा, एफ एक्स को एक्स ले लिया, ए ये हो गया, बी ये हो गया, तो ये फंक्शन हमारा ऐसे हो जाएगा कि दिखाई दे रहा है ना, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो एक्स की वैल्यू पहले लीजिए 1, 1 के लिए fx is equals to x आ गई, या आइडेंटिटी फंक्शन हो गया ये? ये आइडेंटिटी फंक्शन हो गया, ये आइडेंटिटी फंक्शन हो गया, मैंने मान लिया fx को x के बराबर, मेरा मेरी मर्जी है। मैं क्या करूंगा कि फंक्शन जो भी मुझे मानना है, लेट करना है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आसान से आसान फंक्शन हो। तो मैं यहां पर कोई लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन मानने से बढ़िया मैंने कहा चलिए मैं fx is equal to x मान लेता हूं। तो अब हमने क्या करा, जानबूझकर इसमें ऐसा करा कि डोमेन में तो रखे 4 एलिमेंट और कोडोमेन में रख दिए 6 एलिमेंट्स। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहा है अभी बता रहा हूँ। डोमेन में 4 एलिमेंट्स रखे और कोडोमेन में रख दिए 6 एलिमेंट्स, उसके बाद फिर जीएस को डिफाइन करते हैं। उसके बाद हम ये कहते हैं कि लेट जीएक्स इज इक्वल टू, लेट जीएक्स इज इक्वल टू एक्स, लेट dx is equal to x, मैंने इस फंक्शन को भी सेम मान लिया, लेट dx is equal to x और x is equal to 1, 2, 3, 4 and g5 is equal to, g6 is equal to 5, g5 और g6 इन दोनों को मैंने 5 के बराबर मान लिया। और ऐसा मैंने करा क्यों है इस तरीके से, बस ये देखिएगा कि f है a से b और g होगा b से c, तभी g और f डिफाइंड होगा। तो मैं कहूंगा कि b तो मुझे पहले से ही पता है क्योंकि b तो मैं ले चुका हूं 1, 2, 3, 4, 5, 6। और c जो है c भी मैंने सेम ले लिया 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो अब अगर मैं जी फंक्शन की बात करूं, तो ये वाला फंक्शन था, ये वाला फंक्शन था बेटा एफ। तो हमने यहाँ पर डोमेन और कोडोमेन के बीच में ऐसे हम एफ लिख देते हैं जब फंक्शन रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये वाला फंक्शन है जी, तो इसका डोमेन देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इसका कोडोमेन देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ बीच में लिख दीजिए जी, मैंने बोला x is equal to 1, 2, 3, 4 के लिए, gx is equal to x है, x is equal to 1, 2, 3, 4 के लिए, मतलब x की वैल्यू 1 डालेंगे तो gx की वैल्यू 1, 2 डालेंगे तो वैल्यू 2, 3 डालेंगे तो वैल्यू 3, 4 डालेंगे तो वैल्यू 4। लेकिन जब मैं x है ना बीच में ब्रैकेट में, तो जब मैंने ब्रैकेट में x की जगह 5 लिया या x की जगह 6 लिया, जब x की वैल्यू 5 डाल रहा हूँ तो भी रिजल्ट 5 आ रहा है, और जब x की वैल्यू 6 डाल रहा हूँ तो भी रिजल्ट 5 आ रहा है। ठीक है सर, तो एक चीज, जैसे हमने gx is equals to x लिया आइडेंटिटी फंक्शन, तो हमने g 6 को 5 क्यों ले लिया फिर? बता रहा हूँ कि gx is equal to x है सिर्फ x is equal to 1, 2, 3, 4 के लिए। ठीक है, बट g5 मतलब आगे जो 4 से बड़ी वैल्यू है वो क्या है इसमें 5 और 6, और 5 और 6 के लिए उसकी a की वैल्यू आ रही है, वो आ रही है 5। ठीक है, अलग से हम डिफाइन कर सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू के लिए ये वैल्यू है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू के लिए ये अलग वैल्यू। ठीक है अच्छा सर, तो मतलब जैसे फंक्शन है तो उसके लिए दो क्राइटेरिया दे सकते हैं, मतलब कि कुछ नंबर। हाँ हाँ बिल्कुल दे सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए मैंने आपको ये बताया कि अगर हमारे पास कोई एक फंक्शन है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मॉडुलस फंक्शन की बात करूं मॉड एक्स की, तो इसके लिए भी तो दो क्राइटेरिया होते हैं कि मॉडुलस ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0। अच्छा सर, याद आ गया, क्या चीज, क्या कह रहे हैं बताइए, समझ गए ना? समझ आ गई बात, आवाज नहीं आई तो दोबारा बताओ। समझ गई सर, समझ गई, याद आ गया। अच्छा,
मैंने वही बोला कि दो अलग अलग क्राइटेरिया हो सकते हैं। देखिए x 0 से कम है तो इसकी fx की वैल्यू माइनस x, और 0 या 0 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू प्लस x, तो वो लिया जा सकता है। अब यहां से मैंने ये कहा कि g इज मैनी वन, g इज मैनी वन, और यहां पर अगर मैं देख रहा हूं तो एक एलिमेंट एक से रिलेटेड है तो f इज वन वन, f is 1 1। तो अब आपको क्या करना है, ये जो क्वेश्चन है ना बेसिकली थ्योरम है, ये थ्योरम है जो 12th क्लास के बाद आगे ग्रेजुएशन में फर्दर बच्चे पढ़ते हैं, तो ये थ्योरम है। आप लोग बस इतना देखिएगा कि मैंने कहा कि f 1 1 ले लिया मैंने और g ले लिया मैंने 1। अब जरा g और f डिफाइन करके देखते हैं। अच्छा सर सर, जब आपने वो g is many वो लिखा है, एक चीज पूछनी है, जब मैं फंक्शंस प्रैक्टिस कर रही थी ना तो क्वेश्चंस में जैसे ऐसे आता था कि वो 1 1 नहीं है many 1 है, तो आपने स्टेटमेंट्स लिखवाई थी कि इट इज नॉट 1 1 इट इज many 1, हमें many 1 स्पेसिफाई करना जरूरी होता है जब 1 1 नहीं होता तो। ना ना ना, वो जरूरी नहीं है, वो जरूरी नहीं है, लेकिन क्या है कि हम सीधा लिख सकते हैं कि वो 1 1 नहीं है, बस ये लिख सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है ना कि आप ये प्रूव करिए कि दिस फंक्शन इज नॉट अ 1 1 फंक्शन, ठीक है, तो आप बस ये लिखिए कि ये 1 1 नहीं है। अच्छा, जो 1 1 नहीं होता वो मैनी 1 ही होता है, ये श्योर है, तो वहां पर ये मत लिखना है कि मैनी 1 है। हाँ, वो जैसा क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ना वैसा लिखिए, जैसा क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वैसा लिखिए। क्वेश्चन में अगर वो बोल रहे हैं कि प्रूव दैट इट इज नॉट 1 1 तो लिखिए इट इज नॉट 1 1। अगर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि प्रूव दैट इट इज मैनी 1, इसलिए मैंने पूछा कि लिखना जरूरी तो नहीं होता पेपर में। जरूरी नहीं, जरूरी नहीं। अब जरा देखिएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैंने इसको कहा कि ये तो एफ तो 1 1 हो गया और जी हो गया मैनी 1, तो अब जरा मैं ये देखता हूँ कि जी ओ एफ क्या आता है, जी ओ एफ की वैल्यू देखते हैं। तो जी ओ एफ का मतलब होता है जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स। अब एफ एक्स यानी कि मैं पहले एफ की बात कर रहा हूं, तो एफ के लिए एक्स क्या क्या है, फंक्शन एफ के लिए एक्स की वैल्यू सिर्फ ये चार वैल्यूज है, 1 2 3 4। तो लिखिएगा कि जी ऑफ एफ वन, जब एफ एक्स में x की वैल्यू 1 लेंगे तो f1 की वैल्यू भी 1 ही आएगी, 1 के लिए जब x की वैल्यू 1 ले रहे हैं तो एफ एक्स की वैल्यू भी 1 आ रही है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया g1, भाई f1 की वैल्यू क्या है 1, और g1 क्या है, g1 भी 1 है, 1 हो गया। g ऑफ f2, f2, f2 की वैल्यू क्या है 2, तो लिखिएगा g2, और g2 की वैल्यू क्या है, ये भी 2 है। फिर g ऑफ f3, f3 की वैल्यू क्या है 3, ये हो गया 3, और g ऑफ 3 इसकी वैल्यू क्या है, ये भी 3। फिर देखेंगे f4, f4 की वैल्यू क्या है 4, ये हो गया बेटा g ऑफ 4, और g4 की वैल्यू क्या है, ये भी 4। तो इसका मतलब जो मैंने g o f डिफाइन करा, g o f हमारा कैसे आ गया, देखिएगा x की वैल्यू क्या क्या आई है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और इसके कोरस्पोंडिंगली फाइनल वैल्यू जो फंक्शन की है वो क्या आ रही है, 1 2 3 4। तो 1 के लिए वैल्यू 1 आ रही है, 2 के लिए वैल्यू 2, 3 के लिए वैल्यू 3, 4 के लिए वैल्यू 4। तो ये कौन सा फंक्शन बनाया मैंने, बीच में लिख दीजिए जी ओ एफ, देयरफॉर जी ओ एफ इज 1 1, जी ओ एफ हो गया 1 1। और इसमें मैं क्या करूंगा, ये हमेशा हमारा क्या होता है कि अगर एफ ए से बी है और जी बी से सी है तो जो हमारा जी ओ एफ बनेगा वो ए से सी बनेगा। तो इसका मतलब जो इसका कोडोमेन मुझे बनाना था,
इसमें मुझे 5 और 6 और देखना है, समझ गए? यस सर, आगे समझ में। तो यहाँ से क्या हुआ कि हम ये कह रहे हैं कि GOF 1-1 है, तो if GOF is a function which is properly defined and if GOF is 1-1, then it is not necessary that F and G both have to be 1-1. ये necessary नहीं है। F होगा 1-1 और G होगा मैनली 1-1. अब इसका उल्टा देख लीजिए। उल्टा ये है कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई दो फंक्शन है fx और gx, और उसमें वो आपको ये बोले हैं कि जैसे यहाँ पर लिखा है GOF is defined, अगर मान लीजिए आपसे ये बोला जाए कि FOG is defined, तो अगर FOG is defined होगा तो फिर उल्टा हो जाएगा, G को लेंगे 1-1 और F को लेंगे many one. ये समझ में आ गया? क्योंकि सर जैसे FOG होता तो फिर वो तो हमारी कोड डोमेन और वो डोमेन चेंज नहीं हो जाती वैसे ही? सब कुछ चेंज हो जाता, तभी तो बता रहा हूँ कि अगर FOG डिफाइन करने की बात होगी तो फिर मेरा यहाँ पर आ जाएगा GA2B और यहाँ आ जाएगा FB2C, ठीक है? FOG के लिए उल्टा हो जाएगा, और जैसे मैंने यहाँ पर F को क्या लिया 1-1, वो नहीं समझी कि जैसे अगर FOG होता तो इसका FOG exist करता, मतलब मुझे ये नहीं समझ आया, जैसे वो जाता B to C और बता रहा हूँ इस पर्टिकुलर केस में अगर देखा जाए तो FOG exist नहीं करेगा। ओके सर, ये जो मैंने एग्जांपल लिया है F अलग लिया और G अलग लिया, इस पर्टिकुलर केस में FOG exist नहीं करेगा। FOG exist कब करेगा? जो आपने F लिया है उसको तो आप G ले लो, जो ये आपने फंक्शन F लेट करा है ना, इस फंक्शन को बोलो लेट gx इज इक्वल टू x एंड a इज इक्वल टू दिस दिस दिस, ये फंक्शन तो पूरा ले लो g, ठीक? और ये वाला जो फंक्शन आपने g लिया है इस पूरे को ले लो f, अब तो करेगा f और g एग्जिस्ट? हां सर, अब करेगा। हां, उसका उल्टा ले लिया ना मैंने, तो बस ये ध्यान रखना है कि अगर gof 1-1 है और वो एग्जिस्ट करता है, gof अगर gof एग्जिस्ट करता है और gof 1-1 है तो f होगा 1-1 और g होगा मैन, थ्योरम है ये। दूसरा, अगर FOG exist करता है, यानी कि FOG is defined and FOG is 1-1, then F is many one and G is 1-1, तब उल्टा हो जाएगा। समझ गए? मतलब डोमेन और कोडोमेन चेंज कर दी ना? हाँ, बेसिक वही है ना? बस वही चीज़। ठीक है, ओके। ठीक है, एग्जांपल नंबर 20 था, मार्क कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है ये। अनिकेत, समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, एग्जांपल नंबर 21 देखते हैं। 21 में है R, F and G both necessarily onto if GOF is onto। अब वही चीज है जैसे यहाँ पर मैंने बोला था कि अगर GOF 1-1 है तो क्या G और F दोनों को 1-1 होना जरूरी है? इसी तरीके से अगले क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि अगर GOF onto है तो क्या F और G दोनों का onto होना जरूरी है? इसके लिए भी एग्जाम्पल लेकर करेंगे। भैया मिटा रहा हूँ यहाँ से। सर वैसे ही थ्योरम्स प्रूव करने को आ जाती हैं कई बार एग्जाम्स में? बिल्कुल आती हैं, बहुत मैं इसमें इम्पोर्टेंट मार्क करने के लिए इसीलिए बोल रहा हूँ, और इनफैक्ट बच्चे क्या करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। ये जो एग्जाम्पल नंबर 20 है, एग्जाम्पल 20, अब जो मैं करा रहा हूँ 21, और इससे पहले वाला जो था 18-19, एग्जाम्पल नंबर 18-19-20-21, इन चारों को बच्चे रट के जाते हैं कि मेरे पास एग्जाम में उतना टाइम नहीं है कि मैं वहां पर सोच के और लिख के सेट ए में ये ले लूं और सेट बी में ये ले लूं, ठीक है? तो ये चार अपने ही टाइप के क्वेश्चन है, बिल्कुल अलग क्वेश्चन है, और ये मतलब इनमें कोई चेंज करने की कुछ गुंजाइश ही नहीं इन क्वेश्चन में। तो वो आपसे पूछेंगे कि अगर कोई फंक्शन GOF है, वो डिफाइंड है, वो 1-1 है, तो क्या F और G दोनों 1-1 होने चाहिए? तो आप उस चीज के लिए उतना ज्यादा सोचेंगे नहीं, आपको वो क्वेश्चन कर रखा है, आपको क्वेश्चन रटा पड़ा है, आप सीधा फटाफट कर दोगे, एक मिनट में क्वेश्चन हो जाएगा आपका, ठीक है? ये तो चार क्वेश्चन हैं, इन चारों क्वेश्चन पर स्टार मार्क कर लीजिए, ये पेपर में बहुत पूछे जाते हैं, इनफैक्ट स्कूल के एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं। तो मतलब सर जैसे ये पेपर में आ जाए तो हम लोग एग्जाम्पल्स को माइंड में रखे ताकि जल्दी हो जाए ये क्वेश्चन फटाफट, जो मैंने कराया है ना, जो इसमें दे रखा है, एनसीईआरटी वाला ही एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मैंने भी कोई चेंज नहीं करा उसमें, ठीक है? एग्जैक्टली वही चीज उठाकर आप छाप देना वहां। तो रिलेशन फंक्शन में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो श्योर शॉट आते हैं, उनमें कुछ चेंज करने का कुछ गुंजाइश ही नहीं, जैसा है एज इट इज वैसे ही पूछ लिया जाएगा।
ओके सर, ओके, तो उसमें कर लेना। जैसे अभी हम डिटरमिनेंट्स कर रहे हैं, तो डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टीज में कुछ चीजें ऐसी हैं जो बिल्कुल रटी रटाई हैं कि आपको किसी एक रो को या किसी एक कॉलम के तीनों एलिमेंट्स को 1-1-1 बनाना है, फिर एक को फिक्स करके बाकी दोनों को जीरो कर दो, तो वो कुछ चीजें ऐसी हैं जो चेंज ही नहीं होंगी रिपीटेडली। तो कितने सालों से सेम चीज पूछी जा रही है। ओके सर, हाँ जी। अच्छा हाँ, अनिकेत और नियति तुम दोनों को मैं एक वो भेजूंगा, एक ना एक इन्फॉर्मेशन आई है। अनिकेत तुम्हें केमिस्ट्री वाली मैम ने कुछ बताया क्या? नहीं सर, अभी अगली क्लास है शायद बताएं इसके बाद। हाँ उन्होंने एक ब्रोशर भेजा है मेरे को, उसमें कुछ ना जो कुछ नई एक्टिविटीज इन्वॉल्व हो रही है जो ऑनलाइन को, अब ऑनलाइन क्लासेस ही चल रही है और कब तक चलेगी ये पता नहीं। स्पोर्ट्स स्पोर्ट का क्या सर? कुछ नई एक्टिविटीज इन्वॉल्व हुई हैं 12th क्लास में, 9th से लेकर 12th तक पूरा, वो बताया उन्होंने कुछ? नहीं सर, अभी नेक्स्ट क्लास है उसमें शायद से बताएंगे। अच्छा बता दे, उनका मैसेज आया था मेरे पास, तो वो मैं 103 पेज का है वो पूरा, उसमें 9th से लेकर 12th तक सारा दे रखा है, तो या तो मैं तसल्ली से बैठकर पढ़कर बता दूंगा और या फिर आप लोगों को फॉरवर्ड कर दूंगा, आप देख लेना क्या है। सर आप फॉरवर्ड कर दीजिए, फॉरवर्ड कर दूंगा, उसमें लिंक है और 9th 10th का अलग लिंक है, 11th 12th का अलग लिंक है। सर आपने पढ़ लिया वो? पढ़ा कहाँ, पढ़ता है 103 पेज है, कहाँ उसको देखता है। मतलब सर मैं कुछ स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स का इन्वॉल्वमेंट हुआ है क्या ऐड वाइज? अभी वो नहीं आया, मैं तो एक्चुअली उस चीज का इंतजार कर रहा हूँ। हो सकता है आप लोगों का कोर्स कुछ कम हो, सिलेबस हो सकता है कुछ कम करा दें। इतना जरूर है कि सीबीएसई ने जितने भी स्कूल्स हैं उन सबको ये इंस्ट्रक्शन दे रखी है कि कई स्कूल्स क्या किया करते हैं कि एक चैप्टर पहला करा दिया, एक चैप्टर क्लास का तो ये बताया है कि 9th क्लास से और 12th क्लास तक का सिलेबस रिवाइज होने के पूरे पूरे चांसेस हैं, और ये अप्रैल के फर्स्ट वीक में आ जाएगा, और वो जो रिवाइज होगा ना अप्रैल का फर्स्ट वीक है, सॉरी जुलाई के फर्स्ट वीक में पता चल जाएगा। ये जो रिवाइज होगा ये कुछ इस तरह से होगा कि सिलेबस कुछ कम हो सकता है, तो ऐसा होगा जैसे मान लीजिए आपके मैथ्स में 16 चैप्टर है, तो आपने शुरुआत के वो शायद 10 या 12 चैप्टर रखेंगे और लास्ट के 4 चैप्टर सिलेबस से हटा देंगे सिर्फ इस साल के लिए 2021 वाले जो बच्चे हैं। जो सर उसमें चेकिंग भी तो टफ हो जाएगी और पेपर भी थोड़ा हार्ड आएगा, ऐसा नहीं कहा तो सर। लेकिन एक चीज और है, जैसे मैथ्स में तो वैसे ही 13 चैप्टर है, तो इसमें क्या सिलेबस कट सकता है? मैथ्स का तो 13 चैप्टर ही है। हाँ चलो मान लिया, तो ये मैं एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, ये नहीं कि 16 चैप्टर है तो वो एग्जैक्टली 16 वाले चैप्टर की फिगर ली जाएगी, मैं वो नहीं बता रहा हूँ। वो ये है कि भाई अगर मान लीजिए किसी ने 10 चैप्टर हैं और 80% सिलेबस करने के लिए बोल दिया, तो 10 में से लास्ट के 2 चैप्टर हटा दिए। अगर मान लीजिए किसी सब्जेक्ट में 20 चैप्टर हैं, छोटे छोटे 20 चैप्टर हैं, तो उसमें वो क्या करेंगे, वो लास्ट के 4 चैप्टर हटा देंगे, तो वो 80% हो जाएगा उसका। तो इस तरीके से बोला है, और उन्होंने ये बोला है हर एक स्कूल्स को यही इंस्ट्रक्शन दी है, जितने भी स्कूल्स हैं सबको इंस्ट्रक्शन दी है कि आप लोग आगे पीछे ऐसे मिक्स करके नहीं पढ़ाएंगे, आप सीक्वेंशियली पढ़ाएंगे, चैप्टर 1, 2, 3, 4 इस तरह से ऐसे पढ़ा। तो अभी के लिए ये इंस्ट्रक्शन है, अब देखो जुलाई के फर्स्ट वीक में जहां तक है पता चल जाएगा कि सिलेबस में चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। और हाँ दूसरा चांस ये है कि या तो सिलेबस में चेंज करेंगे, और अगर सिलेबस में चेंज नहीं करा तो आपके एग्जाम्स हो सकता है 2 या 3 महीने पोस्टपोन कर दिए जाए, वो मार्च में ना होके अप्रैल में या जून में, ऐसा हो सकता है। तो ये देखिए जैसा भी होगा, लगातार डिस्कशन तो कर ही रहे हैं जो हाई ऑफिशियल्स हैं सीबीएसई के, वो पता चल जाएगा जुलाई के फर्स्ट वीक तक पता चल जाएगा। इसमें आप f एक ऐसा फंक्शन मान लो जिसका डोमेन और कोडोमेन सेम है, ठीक है,
और जी एक ऐसा फंक्शन मान लो जिसका डोमेन तो वही लेंगे जो एफ का कोडोमेन और डोमेन है। देखो जरा लेट देयर बी टू फंक्शंस, देयर इज अ फंक्शन एफ एक्स एंड अनदर फंक्शन जी एक्स, लेट लेट एफ 1 2 3 4 2 1 2 3 4 तो ये हो गया एंड जी 1 2 3 4। लेकिन जो जी का कोडोमेन है उसमें आप क्या करिए, उसमें एक एलिमेंट कम कर दो, 1 2 3 कर दो बस। तो सीधी सी बात है कि जीओ एफ तो डिफाइन हो जाएगा। जीओ एफ किस तरह से डिफाइन होगा कि आप ये देख लीजिए कि इसका कोडोमेन और इसका डोमेन ये दोनों सेम है, तो इसका मतलब जीओ एफ डिफाइन होगा। अब ये देखना है कि जीओ एफ ऑन टू होना चाहिए और एफ और जी ऑन टू होंगे या नहीं होंगे ये बताना। तो हमने माना कि लेट एफ वन इज इक्वल टू वन, लेट एफ वन इज इक्वल टू वन, एफ टू इज इक्वल टू टू, एफ थ्री इज इक्वल टू, एफ थ्री इज इक्वल टू थ्री एंड एफ फोर इज इक्वल टू थ्री। ये हो गया, हमने फंक्शन इस तरीके का माना है। अब करेंगे क्या आप यहां पर ना बना लो फंक्शन, एफ की बात करूंगा पहले, तो डोमेन और कोडोमेन दोनों सेम है, 1 2 3 4 यहां पर भी 1 2 3 4 यहां बीच में लिखिए एफ 1, अगर x की वैल्यू 1 है तो फंक्शन की वैल्यू भी 1 इज रिलेटेड टू 1, अगर 2 है तो 2 इज रिलेटेड टू 2, 3 है तो 3 इज रिलेटेड टू 3 और 4 है ना बेटा 4 इज आल्सो रिलेटेड टू 3। तो आप ये बता दीजिए क्या ये ऑन टू है, f इज f इज नॉट ऑन टू बोल दो या ये बोल दो f इज इनटू 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 क्यों, क्योंकि एक एलिमेंट बच गया है आपका। अगर कोडोमेन का एक भी एलिमेंट बच जाता है जिसकी कोई प्री इमेज ना हो तो हम बोलते हैं कि वो फंक्शन ऑन टू नहीं है, मतलब वो इनटू है। ये समझ में आ गया? यस सर। अब हम जी को डिफाइन करते हैं, अब जी को डिफाइन करते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, हमने कहा कि जी को ऐसा मान लेंगे कि जी वन इज इक्वल टू 1, जी टू इज इक्वल टू 2 एंड जी थ्री इज इक्वल टू, जी फोर इज इक्वल टू 3, बिल्कुल सेम ऐसे जैसे यहां मान लेट जी वन इज इक्वल टू 1, जी टू इज इक्वल टू 2, जी थ्री इज इक्वल टू 3 एंड जी फोर इज इक्वल टू 3, बिल्कुल सेम यही तो हो गया 1 2 3 3 1 2 3 3 और इधर 1 2 3 4। अब जी बना लो आप 1 2 3 4, ये जी का डोमेन हो गया और जी का कोडोमेन लिया मैंने, एक एलिमेंट कम ले लिया मैंने, 1 2 3 लिया है इसका कोडोमेन। यहां बीच में लिखिएगा जी और 1 के लिए वैल्यू है 1, 1 रिलेटेड टू 1, 2 के लिए वैल्यू है 2 रिलेटेड टू 2, 3 के लिए वैल्यू है 3 रिलेटेड टू 3 एंड 4 के लिए वैल्यू है 3, तो 4 भी 3 से रिलेटेड है। ये हो गया, देखिए अब जब इतना हो गया तो अब आप ये बताइए कि जी ऑन टू है या नहीं है। नो सर। ऑन टू है सर, है सर ऑन टू सारे फंक्शन हो, इमेज है ना सबकी एक। हो गया, समझ गया बेटा? सॉरी सर, गलती से निकल गया, सॉरी। तो जी ऑन टू हो गया, क्यों? क्योंकि इधर के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबकी कोई ना कोई प्री इमेज है, ठीक है? तो जी ऑन टू हो गया, एफ हो गया इनटू। अब जरा जी ओ एफ बनाकर देखते हैं, अब देखिएगा जीओ एफ की बात करते हैं
जी ओ एफ का मतलब हो जाएगा जी ऑफ एफ एक्स। अब एफ एक्स के लिए एक्स क्या क्या है, एफ एक्स के लिए एक्स है 1 2 3 4, वैल्यू डाले सबकी, जी एफ वन, एफ वन क्या है 1, इसका मतलब ये हो जाएगा जी वन, और जी वन क्या है 1 जी। फिर अगला देखें एफ टू, एफ टू क्या है 2, तो ये हो गया जी टू, और जी टू क्या है ये भी 2। फिर जी एफ थ्री, एफ थ्री क्या है 3, ये हो गया जी थ्री, और जी थ्री क्या है ये भी 3। फिर जी एफ फोर, बेटा एफ फोर क्या है, एफ फोर भी 3 है, हो गया जी थ्री है ना, और जी थ्री क्या है अगेन 3, ये हो गया। तो अब आप जीओ एफ बनाइएगा, तो एक चीज तो क्लियर है कि जीओ एफ ने जब ये दोनों सेम हो गए तो जीओ एफ का डोमेन हो जाएगा 1 2 3 4, और को डोमेन हो जाएगा 1 2 3, 1 2 3 4, यहां बीच में लिखिएगा जीओ एफ, और फोटो में हो जाएगा 1 2 3। तो 1 के लिए रिजल्ट क्या है 1, 2 के लिए रिजल्ट क्या है 2, 3 के लिए रिजल्ट है 3, और 4 के लिए भी रिजल्ट है 3। तो ये बताइए जी ओ एफ 1 2 है या नहीं? सर है 1 2, जी ओ एफ इज 1 2। तो ये चीज इसमें क्या समझ में आता है सर, वीडियो गॉन, हाँ वीडियो भी वीडियो चली गई, आ जाएगी वीडियो, 2 मिनट रुकिए। द सर्कल इज रोमिंग रोमिंग, हां आई नो दैट सर्कल इज रोमिंग एंड देयर इज अ सिंपल ऑफ वाईफाई डिवाइस, अभी आ जाएगा। अनिकेत क्या कर दिया ये तुमने उधर से? नहीं सर, अब तक सर्कल रोमिंग हो रहा है। एक मिनट, अरे यार ये कभी कभी होता है, 1-2 सेकंड में हो जाता है, ठीक आज थोड़ा लंबा चल गया सर, ग्लिच हो गया, ठीक हो जाएगा, ग्लिच ठीक हो जाएगा। सर दोबारा होस्ट कर दीजिए मीटिंग। नहीं होगा भाई, अभी हो जाएगा, हो गया ना? यस सर। चलिए जी, तो इसमें भी आपको ये ध्यान रखना है, मैं तो सीधा सीधा बता रहा हूँ, क्वेश्चन को रट लो, जिसमें जीओ एफ जो है, जीओ एफ अगर ऑन टू है तो इसका मतलब क्या है कि जी ऑन टू होगा लेकिन एफ ऑन टू नहीं होगा, एफ होगा इन टू, ठीक है? तो ये एग्जांपल भी आप ध्यान रख लीजिए कि हमें क्या लेना है एफ में, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, और यहाँ पर 1 2 3, यहाँ लेंगे 1 2 3 4, और इधर लेंगे 1 2 3 3, ऐसे यहाँ पर लेंगे 1 2 3 4, और यहाँ पर भी लेंगे 1 2 3 3। तो ये सीधा सीधा आप याद रखिए कि ये एग्जांपल लेने से जीओ एफ आपका ऑन टू ग्रुप हो जाएगा, और जी हो जाएगा ऑन टू ग्रुप, और एफ हो जाएगा इन टू ग्रुप। तो इसका मतलब जीओ एफ अगर ऑन टू है then it is not necessary that both G and F have to be onto, ये necessary नहीं, एक onto होगा और एक into होगा, समझ में आ गया? Yes sir। समझ में आ गया, चलिए आगे चलते हैं, next देखते हैं।
नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 22. एग्जांपल नंबर 22 में देखिए ये दे रखा है F123. दिया कि F जो है वो है F123 टू ABC ये फंक्शन दे रखा है B11 एंड 12 फंक्शन. इस 11 ये 11 भी है और 12 भी है. और फंक्शन कैसे डिफाइन कर रखा है, ये डोमेन है ये कोडोमेन है. और डिफाइन कैसे कर रखा है कि F1 इज इक्वल टू A F1 is equal to A, F2 is equal to B, F3 is equal to C. F1 is equal to A, F2 is equal to B, F3 is equal to C. ये दे रखा है. फिर है show that there exists a function G A B C 1 2 3 to prove that there exists a function. There exists a function G A B C to 1 2 3. G A B C to 1 2 3 such that G O F is equal to I X and F O G. And FOG is equal to I Y, where X is equal to 1 2 3. And capital Y is equal to A B C. ये देखा है. अब है हमें ये बताने हैं कि there exists a function. मुझे बताना है कि कोई एक ऐसा फंक्शन भी एग्जिस्ट करता है जी ओ एफ. जी ओ एफ मतलब कोई ऐसा फंक्शन भी एग्जिस्ट करता है जी, वो अगर मैं जी ओ एफ निकालू तो वो आ जाएगा आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ एक्स. मतलब क्या है कि जी ओ एफ में मैं एफ के आगे जो भी वैल्यूज लूंगा एक्स की, वो जो भी वैल्यूज लूंगा रिजल्ट में हमारे पास एक्स की वही वैल्यूज आएगी. आई एक्स मतलब आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ एक्स, आई वाई मतलब आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ वाई. मैं जो भी वैल्यूज लूंगा वो वाई वाई से ली जाएगी वैल्यू ए बी सी, तो रिजल्ट में भी ए बी सी ही आएगा. तो देखिएगा इस तरीके के फंक्शन को बोलते हैं हम इनवर्टिबल फंक्शन. नोट करके लिखना पहले इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में आप. इसके सॉल्यूशन में नोट करके लिखिए पहले. ये टू फंक्शंस एफ एंड जी आर सेड टू बी two functions f and g are said to be invertible. Invertible मतलब एक दूसरे का inverse. अब invertible function क्या होते हैं वो मैंने आपको बताया नहीं है, अभी बताऊंगा. एक मिनट रुक जाइए. उस पहले जो लिखवा रहा हूँ उसको नोट कर लो. टू फंक्शन एफ एंड जी आर सेड टू बी इनवर्टिबल इफ जी ओ एफ इज इक्वल टू आई एक्स
एंड FOG is equal to I by दो functions को invertible तभी कहा जा सकता है अगर G और F I X के बराबर आ जाए और FOG I by के बराबर आ जाए। अब ये है कि मुझे ये शो करना है कि G और F I X के बराबर है और FOG I by के बराबर है। मैं पहले से ही जानता हूँ कि अगर दो functions में G और F I X के बराबर आ जाए और FOG I by के बराबर आ जाए तो इसका मतलब क्या है कि वो जो दोनों फंक्शंस है ना वो इन्वर्टिबल है। तो इन्वर्टिबल फंक्शंस होते क्या है? ठीक, पहली चीज तो मुझे पता चल गया जी ओ एफ अगर आई एक्स है और एफ ओ जी अगर आई वाई के बराबर है किसी भी फंक्शन में तो वो जो दो फंक्शंस है एफ और जी वो हो जाएंगे इन्वर्टिबल फंक्शंस। तो अब एफ तो मुझे दे रखा है तो पहले तो मैं एफ बनाऊंगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा गिवन गिवन। अब मैं f की बात करूंगा किस तरीके से कि हमने f का लिखा डोमेन 1 2 3 और f का लिखा कोडोमेन a b c 1 2 3 और फिर लिखा f का कोडोमेन a b c। इस तरह से डिफाइंड है कि अगर x की वैल्यू 1 है तो फंक्शन की वैल्यू a है, मतलब 1 है तो वैल्यू है a, 2 है तो वैल्यू है b, मतलब 2 इज रिलेटेड टू b और 3 है तो वैल्यू है c, मतलब 3 इज रिलेटेड टू c। तो बीच में मैंने लिख दिया f, ठीक है। इसका मतलब ये तो समझ में आ गया जो मैंने f बनाया है यहां पर, ये समझ में आ गया लोगों को? यस सर। हां ये दे रखा है कि मैंने इसमें कुछ भी अपने तरफ से कुछ भी नहीं बताया। अब उन्होंने बोला है मुझे प्रूव करना है देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन g a b c 2 1 2 3 ठीक है सच दैट g of is equal to ix एंड f of g is equal to iy। तो मुझे ये शो करना है कि कोई ऐसा फंक्शन g भी एग्जिस्ट करता है। तो हम ये कहेंगे कि अब जब मुझे शो करना है तो मैं फंक्शन g वो मैं मान सकता हूं अपनी तरफ से, तो मैं क्या मानूंगा वो देखो। लेट g a b c 2 1 2 3 be defined as invertible का मतलब उल्टा मानूंगा मैं, जैसे f1 is equal to a था तो मैं अब मानूंगा g a is equal to 1, मतलब अगर x की वैल्यू 1 a ले ली जाए तो रिजल्ट क्या आएगा 1 g a is equal to 1 g b is equal to 2 and gc is equal to 3, समझ गए? और ये जो मैं ले रहा हूँ ना ये मैं उल्टा ले रहा हूँ बिल्कुल, तो जब मैं उल्टा ले रहा हूँ तो ऐसे ही फंक्शन को बोला जाता है इन्वर्टिबल फंक्शन। वो चीज मैं आपको इस क्वेश्चन पहले कंप्लीट हो जाए इसके लास्ट में लिखाऊंगा। फिलहाल इतना मान लीजिए कि मैंने फंक्शन को उल्टा मान लिया gc is equal to 3। अब इसको आप बनाकर दिखा दीजिए, ये हो जाएगा a b c, a b c इसका डोमेन और 1 2 3 इसका कोडोमेन। तो अगर g a वैल्यू अगर a है तो फंक्शन की वैल्यू 1 है, a के लिए 1, b के लिए 2 और c के लिए 3। यहां बीच में लिख दीजिएगा g, जैसे यहां बीच में f लिखा था। बताइए जी समझ में आ गया? फंक्शन मानना या ना मानना वो मेरे हाथ में है, तो मैंने मान लिया। अब देखिएगा हम ये कहेंगे यहां पर, अब मैं जी ओ एफ की बात कर रहा हूं, जी ओ एफ क्या हो जाएगा जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स। तो अब हम क्या करेंगे जी ऑफ एफ, एफ के लिए एक्स की वैल्यू क्या है 1 2 3, तो तीनों वैल्यू लेंगे फिर करके एफ 1 F2 और F3। जब F1 है तो F1 की वैल्यू क्या है A, तो ये हो गया GA। F2 की वैल्यू क्या है B, ये हो गया GB और F3 की वैल्यू क्या है C, तो ये हो गया GC। बताओ जी GA की वैल्यू क्या है 1, GB की वैल्यू 2 और GC की वैल्यू 3।
तो आप ये देखिएगा, अगर मैंने x को 1, 2, 3 लिया तो मेरा y भी 1, 2, 3 आ गया, ठीक है? तो हम ये बोलेंगे, it implies that GOF is equal to IX. ये समझे कि नहीं समझे बता दो। Yes sir. अगर मैंने फंक्शन में जो ओरिजिनल वेरिएबल ले रहा हूँ उसकी वैल्यू सेम है, 1 है तो मेरा रिजल्ट भी 1 आ रहा है, 2 है तो मेरा रिजल्ट भी 2 आ रहा है, 3 है तो मेरा रिजल्ट भी 3 आ रहा है। तो इसी को तो बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। मतलब मैं अगर एफ एक्स लेने पर अगर मेरे पास एक्स आ रहा है तो इसका मतलब ये आइडेंटिटी फंक्शन ही तो कहलाता है, और इसको मैं बोल देता हूँ आई ऑफ एक्स। अब क्योंकि ये वैल्यू आ रही है 1, 2, 3, और इस 1, 2, 3 को मैंने क्या बोला, इस 1, 2, 3 को मैंने बोला है कैपिटल एक्स, ये पूरा सेट कैपिटल एक्स है, तो इसको मैंने बोल दिया आई और सब्स्टिट्यूट में सेट कैपिटल एक्स। बताइए समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे देखिएगा। अब बात करते हैं हम एफओजी की। एफओजी हो जाएगा एफ ऑफ जी। अब जो एफ ऑफ जी है उसको आप क्या करिए, तो मैंने ना इन्वर्टिबल फंक्शन की जब मैंने बात करनी है तो आप ये देखिएगा इन्वर्टिबल फंक्शन में क्या होता है कि एफ का डोमेन है 1, 2, 3 और कोडोमेन है एबीसी। तो ये तो बेसिकली हमारे पास क्या हो गया बेटा, एक्स, और ये क्या हो गया वाई। तो कैपिटल एक्स के अंदर लाई करने वाले हर एलिमेंट को मैं स्मॉल एक्स बोलता हूँ, और कैपिटल वाई के अंदर लाई करने वाले हर एलिमेंट को मैं स्मॉल वाई बोलता हूँ, ठीक है? ये हो गया कैपिटल एक्स, ये हो गया कैपिटल वाई। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है। अब मैंने जी को क्या करा, जी को मैंने पलट दिया, जी को मैंने लिया इन्वर्टिबल फंक्शन, ठीक। तो अब क्या हो गया कि वाई तो आ गया यहाँ पर और एक्स आ गया यहाँ पर, ये क्या है y और ये क्या है बेटा x, समझ गए ना? तो इसका मतलब अब जब f of g की बात करूंगा तो g के अंदर जो मैं वैल्यू लिखूंगा वो मैं कैपिटल y वाली वैल्यू लिखूंगा, ठीक है? g का डोमेन क्या है, g का डोमेन कैपिटल y है, और कैपिटल y के अंदर लाई करने वाले हर एलिमेंट को मैं बोलता हूँ स्मॉल y। तो ये हो जाएगा f of g y। ये चीज समझ में आ गई कि नहीं है? ये सिर्फ और सिर्फ मुझे उन केसेस में लेना है जिन केसेस में हमारा फंक्शन इन्वर्टिबल होगा, उन केसेस में मैं ऐसे लूंगा कि मैं यहाँ पर एफ ऑफ जी वाई लिखूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ जो डोमेन था वो कोडोमेन बन गया और जो कोडोमेन था वो डोमेन बन गया, समझ गए? इन्वर्टिबल में ऐसा करना होता है, समझ गए? बताओ आगे बढ़ू। तो इसमें ये वाई वाला आप क्या कह रहे थे वो फिर से कहिएगा, वो आवाज थोड़ी कट रही थी। बात से समझिए, ये जो इस तरह का क्वेश्चन आएगा ना जिसमें GOF IX के बराबर और FOG IY के बराबर हो जाए, ऐसे फंक्शंस को, ऐसे में जो F और G फंक्शंस हैं उनको हम बोलते हैं इन्वर्टिबल फंक्शन। मतलब जो F का डोमेन और कोडोमेन होगा वो G का डोमेन, G का कोडोमेन और डोमेन बन जाएगा, मतलब पलट जाएगा। इन्वर्टिबल का मतलब देखो यहाँ था 1, 2, 3 और ABC, तो यहाँ हो गया ABC और 1, 2, 3। बेसिकली मेरा जो सेट 1, 2, 3 है वो तो x है और जो सेट ABC है वो y है, समझ गए? तो अब जब मैं g की बात करूंगा तो g में जो मेरा डोमेन है वो हो जाएगा कैपिटल y और जो कोडोमेन है वो हो जाएगा कैपिटल x। बताओ समझ गए? यस सर। और कैपिटल समझ आ गया। हाँ, कैपिटल y के अंदर वाले हर एक एलिमेंट को मैं स्मॉल y बोलूंगा और कैपिटल x के अंदर वाले हर एक एलिमेंट को मैं स्मॉल x बोलूंगा। तो अब मेरे पास जो डोमेन होगा ना, मैं डोमेन यहाँ पर जो है वो डोमेन मेरे लिए क्या हो गया, वो वाई हो गया। तो मैं जो यहाँ सबसे पहले जो वैल्यू लिखता हूँ वो डोमेन की लिखता हूँ, तो डोमेन मेरे लिए वाई होगा। जैसे मैं यहाँ पर क्या लिख रहा था, जी ऑफ एफ एक्स लिख रहा था, तो मैं एफ ओ जी को लिखूंगा एफ ऑफ जी वाई, एफ ऑफ जी एक्स ना लिखकर मैं एफ ऑफ जी वाई लिखूंगा। ऐसा हम सिर्फ इन्वर्टिबल फंक्शन में करते हैं क्योंकि वहां पर डोमेन का कोडोमेन और कोडोमेन का डोमेन बन जाता है, उल्टा हो जाता है। ये समझ गए? यस सर, आ गया। अनिकेत? यस सर। ठीक है, अब देखिएगा एफ ऑफ जी वाई हो गया, मैं क्या करूंगा एफ
और जी की क्या क्या वैल्यूज है वाई की, वाई की क्या क्या वैल्यूज है, एबीसी एबीसी तो लिख लीजिए जी ए जी बी और जी सी, ये हो गया। अब देखो जी ए की वैल्यू क्या आ रही है वन, इसको मैं बोलूंगा एफ वन। जी बी की वैल्यू क्या है टू, ये हो गया एफ टू। और जी सी की वैल्यू क्या है थ्री, तो ये हो गया एफ थ्री। अब देखिए बेटा एफ वन की वैल्यू क्या है, एफ वन की वैल्यू है ए, एफ टू की वैल्यू क्या है बी, और एफ थ्री की वैल्यू क्या है सी। मतलब ए बी सी लेने पर मेरा रिजल्ट भी ए बी सी आ रहा है। तो यार फोर एफ ओ जी इज इक्वल टू, और ए बी सी क्या है, ए बी सी लेने पर ए बी सी ही आ रहा है, यानी कि आइडेंटिटी फंक्शन है, मतलब कैपिटल आई। और ए बी सी कौन सा सेट है, ए बी सी सेट है वाई, तो इसको लिख दिया आई वाई। ठीक है, तो उन्होंने ये पूछा था कि आप ये बताइए, आप ये प्रूव करिए कि देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन जी ए बी सी टू वन टू थ्री सच दैट जी ओ एफ इज इक्वल टू आई एक्स, हो गया प्रूव, एंड एफ ओ जी इज इक्वल टू आई वाई, ये दोनों चीज प्रूव हो गई। अब हम लिखेंगे तो यस देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन, देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन जी एबीसी टू वन टू थ्री such that GOF is equal to IX and FOG is equal to IY. Practically, remember, proved above. Proved above. And sir, अभी chemistry की class थी, तो जाऊँ। And such a function is called invertible function. Invertible function. बेटा समझ में आ गया दोनों को, इस तरह के फंक्शन को इनवर्टिबल फंक्शन बोलते हैं। Yes sir. ठीक है, बस इतना कर लीजिए, इतना कर लीजिए, और कल जो है ना ये स्पेशल वाली क्लास कल नहीं ले पाऊंगा मैं। ठीक है, अगली क्लास आपकी फिर या तो सैटरडे या तो संडे को, और या फिर मंडे को लूंगा, बता दूंगा। ओके सर, चलिए, ओके ओके, थैंक यू सर, ओके ओके।